है, कहीं ना कहीं पिछला होता है। आज इसको हल करना सीखेंगे बहुत ही इजी तरीका से कि एक्स का मान निकालना है तो गामा बटा अल्फा ले दीजिए, वाई का मान निकालना है तो अल्फा बटा अल्फा ले दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस ये मेथड बताने वाले हैं, अब तक अंत तक बने रहिएगा, मुश्किल से एक से दो मिनट का समय लेंगे लेकिन बहुत ही यूनिक तरीका से इसको आप हल कर लीजिएगा मौखिक। क्लियर है भैया? एक्स का मान निकालना है, गामा बटा अल्फा ध्यान देना है, एक्स का मान निकालना है तो एक्स वाला को छोड़ देना, उसके बाद गामा लिखना बाकी में, बस गामा लिख दो, आंसर आ गया। कैसे? 50 घटा 20 यानी कि 30। क्लियर है? मैंने क्या किया, ए दोनों को गुना किया, ए दोनों को गुना किया, घटा दिया, 50 घटा 20 यानी कि 30, बटा में अल्फा, नीचे वाला यानी कि बटा वाला मान जब लिख रहे होते हो तो ए वाला को छोड़ देना, स्वतंत्र वाला को, हमेशा नीचे जो जाएगा ना वो एक्स वाई वाला मान ही नीचे जाएगा, चाहे एक्स में या वाई में, दोनों में नीचे वाला ए एक्स वाई में होगा। क्या लिखना है? अल्फा, अल्फा लिखो तो 25 में से 4 गया 21, यानी अब हल करोगे तो 10 3 30 और 7 21, 10/7 आपका प्रश्न का उत्तर होगा। अगर आपको वाई का मान निकालना होता तो आप क्या करते? अल्फा बटा अल्फा करते, वाई निकालना होता तो वाई को छोड़ देते, तो क्या करोगे बाकी में? 20 25, 100 में से 40 गया भैया, बच जाएगा 7। अब बटा में आपको लाना है अल्फा, लेकिन ये स्वतंत्र पद को छोड़ देना, अल्फा हमेशा ए वाला आएगा, अल्फा हमेशा ए वाला आएगा, एक्स वाई वाला आएगा। तो 25 में से 4 गया, 25 घटा 4 यानी कि 21, इसको हल करोगे तो आ जाएगा 20/7। इस ढंग से मौखिक आप इसको बनाने का प्रयास करिएगा, प्रैक्टिस आपको बिन काम करेगा, कम से कम 10 से 20 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब होगा। अगर समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन में सीखने का प्रयास करिए। अगर एक्स का मान निकालना है, मैंने क्या बताया, गामा बटा अल्फा निकालना, एक्स निकाल रहा हूं तो एक्स को छोड़ देना, वाई का मान निकालना है तो अल्फा बटा अल्फा लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। एक्स का मान निकाल रहे हैं, पहले ध्यान से समझिएगा, एक्स का मान निकाल रहे हैं, इसको मैंने छोड़ दिया, क्या लिखना है? गामा, ऐसे लिख दो गामा, तो 22 में से 66 गया, कहेंगे माइनस का 44, बटा में अल्फा लिखना है, बटा में अल्फा लिखना है, बटा में अल्फा लिखना है, तो स्वतंत्र पद वाला नहीं, एक्स वाई वाला अल्फा लिखना। अल्फा कैसे लिखोगे? 2 × 4 में से 15 गया, माइनस का 11, काट कुट करोगे आपका उत्तर आ जाएगा 4। क्लियर है भाई? यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। अगर वाई का मान निकाल रहे हो तो वाई को छोड़ दो और लिखो अल्फा, अल्फा बाकी में लगाओ तो 2 × 44 में से 55 गया, कहेंगे माइनस का 11 बच जाएगा, नहीं, 2 × 44 में से 55 गया, माइनस का 11 बच जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं नीचे वाला अल्फा का, नीचे वाला हमेशा होगा एक्स वाई में, तो 4 में से 15 गया, माइनस का 11 ए भी होगा, कट करके आपका आ जाएगा उत्तर 1, यानी एक्स का मान आ जाएगा 4, वाई का मान आ जाएगा 1। इसकी प्रक्रिया जो है आप 10 से 20 बार जरूर करिए तब जाकर अपना होगा। अगर माइनस वाला का हल करना होगा तो हम कैसे करेंगे? बिल्कुल उसी तरह से, एक्स का मान निकालना है, गामा बटा अल्फा, वाई का मान निकालना है तो अल्फा बटा अल्फा, यही तो आपको अपनाना है। चलो एक्स निकालना है, इसको छोड़ दो, है ना, गामा लिखो, गामा ऐसे लिखाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस लेकर गुणा करना है, तो -3 × 22 क्या हो जाएगा, माइनस का 66 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो घटाओ, घटाओ 5 × 2 = 10 हो जाएगा। मैंने क्या किया यहाँ पे ध्यान देना, 62 = 66, -66 × -10 यानी कि माइनस का 76 क्या हो जाएगा भैया, माइनस का 76, बटा में अल्फा, अल्फा लिखने के मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्र पद को छोड़ देना, अल्फा हमेशा एक्स वाई में होगा, है ना, एक्स वाई में अल्फा लगा दो, बस सिंपल से फंडा है, -3 है तो 3 × 5 = 15 ए हो जाएगा, माइनस का 15 -2 × 4 कैसे किए, तो -15 × 4 कितना आ जाएगा, -19, काट कुट करोगे आपका उत्तर आ जाएगा 4। क्लियर है? बाई का मान निकालना है भैया तो हमारा हो जाएगा अल्फा बटा अल्फा, बाई का मान अल्फा बटा अल्फा होगा, लेकिन बाई निकाल रहे हो तो बाई को क्या करोगे, छोड़ दोगे, बाई को क्या करोगे, छोड़ दोगे, बाकी में अल्फा लगाओ तो कहेंगे पापा चे 25 में से 44 गया, माइनस का 19 आ जाएगा, नहीं देखो ना, पापा चे 25 हो गया ना, से किसको घटाना है, 2 × 44 को घटाना है, कितना आ जाएगा, माइनस का 19 आ जाएगा, वही मैंने लिखा माइनस का 19, बटा में अल्फा, अल्फा तो यही वाला रह जाना है, लेकिन हमको सीखना है इसलिए हम निकालते हैं, अल्फा नीचे वाला निकालना है तो छोड़ देना, इसको मैं अल्फा लगाना, तो 15 में से 4 गया, यहाँ पे -15 में से -4 गया, माइनस का 19 हो जाएगा, आपका उत्तर कितना आ जाएगा भैया 1। यानी इस प्रक्रिया को कम से कम 10 से 15 बार 20 बार आप करिएगा तब जाकर ये आपका अपना होगा, क्योंकि जब हम मैथ बनाने के दरमियान बहुत बार ऐसा घटना घटता है कि ऐसा इक्वेशन आ जाता है जिसको हल करने के लिए एक्स वाई के गुणांक को बराबर करके उसको काटते हैं हटाते हैं, है ना, तो वो प्रक्रिया से बचने के लिए प्रैक्टिस करिएगा तब मौखिक आप एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। दोस्तों बस एक क्लास आपके लिए मैंने लाया था, क्लास अगर बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या अपने दोस्तों को भी बताइएगा, है ना, लाइक